वैसे तो भारत के लगभग हर राज्य में एक से बढ़कर एक पैलेस आपको दिख जाएंगे, पर नवाबों के इस घर की बात ही कुछ और है। भारत के सबसे खूबसूरत पैलेसों में से एक और हैदराबाद का दिल कहा जाने वाला पैलेस चौमहल्ला पैलेस, आज जानते हैं इसके बारे में। सो हेलो गाइस, दिस इज़ अर्पिता और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ चौमहल्ला पैलेस। सो आर यू रेडी? चौमहल्ला पैलेस हैदराबाद के निजामों का महल है। ये उनका ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था। ये पैलेस हैदराबाद के चार मीनार के पास ही बना हुआ है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चार मीनार। और ये है चौमहल्ला पैलेस का एंट्री, जहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकते हैं। टिकट्स और टाइमिंग की डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। नवाबों के शहर में मौजूद इस पैलेस को किसी समय हैदराबाद का दिल भी कहा जाता था, और आज भी यहाँ इसकी झलक देखने को मिलती है। आज का वीडियो देखने के बाद आप यकीनन चार मीनार नहीं, सबसे पहले चौमहल्ला पैलेस जाना पसंद करेंगे। इस पैलेस को दो कोर्टयार्डों में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ एंड साउथ। अभी हम लोग नॉर्थ कोर्टयार्ड में हैं, जहां पे आपको एक म्यूज़ियम शॉप भी देखने को मिलेगी। महल के इस कमरों का एक लंबा कॉरिडोर है, जिसका फेसिंग सेंट्रल फाउंटेन और पूल की तरफ है। इस पैलेस के कंस्ट्रक्शन का काम 1750 को स्टार्ट किया गया था, जिसे कंप्लीट होने में 1870 तक का टाइम लगा। इस पैलेस में दो कोर्टयार्ड के साथ एक दरबार हॉल, फाउंटेन और गार्डन भी देखने को मिलते हैं। सामने है क्लॉक टावर। मेन गेट के ऊपर बनी हुई घड़ी को खिलाफत घड़ी भी कहा जाता है। ये घड़ी लगभग 250 सालों से चल रही है। हर हफ्ते इसकी मेंटेनेंस की जाती है। खिलाफत मुबारक, या यूं कहें ये चौमहल्ला पैलेस का दिल है, क्योंकि ये असफ जहां राजवंश का सिंहासन हुआ करता था, जहां पे क्लॉक टावर, काउंसिल हॉल और राशन बंगला शामिल है। इस पैलेस को 2005 में विजिटर्स के लिए ओपन किया गया। पैलेस को रिस्टोर करने के लिए लगभग 5 साल का टाइम लगा। ऑफिशियल सेलिब्रेशन के लिए इसी हॉल का यूज़ किया जाता था। इस हॉल के पिलर्स यूरोपियन स्टाइल बनाए गए हैं। इसी हॉल में नवाबों का दरबार लगा करता था, इसीलिए इसे दरबार हॉल या फिर ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। इन चैंडलियर्स को रिसेंटली रीइंस्टॉल किया गया है ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन ऑफ दिस पैलेस। इस ग्रैंड दरबार हॉल के अंदर है तख्ते निशान और द रॉयल सीट ऑफ नवाब्स। और अब चलते हैं म्यूजियम की कुछ डिस्प्लेस देखने। यहाँ आपको नवाबों की हिस्ट्री की डिटेल्स मिलेंगी। इस पैलेस के कंस्ट्रक्शन में यूरोपियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर का झलक देखने को मिलती है। ये है पहले नवाब, जिन्हें मुगलों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया था। यहाँ पे रॉयल सील्स का डिस्प्ले किया गया है। है कुछ पुराने नोट्स एंड कॉइन्स। चलिए मैं आपको इस ग्रैंड दरबार हॉल का व्यू दिखाती हूँ। Thank you.
और यहाँ पे है पैलेस का क्रॉकरी कलेक्शन, जो कि ब्रिटिश ज़माने में इंग्लैंड से इंपोर्ट की गई थी। और इस सेक्शन में आप फर्नीचर की कलेक्शन देख सकते हैं। ये है हॉल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। यहाँ की कई चीजें तो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। वार में यूज़ किए जाने वाले हर तरह के वेपन्स आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गन से लेके शॉर्ट्स तक सारी वेपन्स मौजूद है। स्पेशल शॉर्ट्स में गोल्ड की कार्विंग की गई है। पैलेस के साउथ कोर्टयार्ड में 4 महल है, जिसकी वजह से इस पैलेस का नाम चौमहल्ला पैलेस पड़ा। साउथ कोर्टयार्ड फिलहाल मेंटेनेंस की वजह से बंद था, इसको फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टिकट्स और टाइमिंग की डिटेल आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।